हेलो एवरीवन, टीचिंग बियाल जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है डिजीजेज ऑफ फिशेस के ऊपर रहने वाला है। टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं आज इस लेक्चर में लाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट और टॉप 100 क्वेश्चन लाएंगे। तो कुल टोटल जो होंगे वो 200 क्वेश्चन जो होंगे वो डिजीजेज ऑफ फिशेज के ऊपर होंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो डिजीज ऑफ फिशेज होती है इसमें न्यूट्रिशनल डिजीजेज, इंट्रेंसिक डिजीजेज, डिजीजेज काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। तो आज खसूसी जो लेक्चर रहने वाला है ये डिजीजेज काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स के ऊपर जो 100+ क्वेश्चन जो है आज मैं लेके आया हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द कॉमन नेम फॉर पिसिनोडियम इन्फेक्शन इज। जो पिसिनोडियम इन्फेक्शन होता है ये फिशेज के अंदर होता है, इसीलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है पिसिनोडियम इन्फेक्शन इज, इसको कहते हैं हम वेल्वेट डिजीज़। क्या कहते हैं? वेल्वेट डिजीज़। ये एक फिश एक्टोपैरासाइट डाइनोफ्लैजिलेटा इज ए मेंबर ऑफ द क्लास डाइनोफेसिया। और अगर हम बात करें कौन सी स्पीशीज़ है, ये है पिसिनोडियम पाइलूरिया जो है ये स्पीशीज कॉज करती है वेल्वेट डिजीज़, इज ए येलोविश पैरासाइट डाइनोफ्लैजिलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द लार्जेस्ट नोन पैरासाइटिक प्रोटोजोन फिशेज इज। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, हमें बताना है लार्जेस्ट नोन पैरासाइटिक प्रोटोजोन। तो जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, वो है एक्थियोफिथ्रस मल्टीफिलियस। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट नोन पैरासाइटिक प्रोटोजोन है फिशेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट सीरियस डिजीज काजिंग एजेंट इन्वॉल्विंग द ईल कल्चर ऑफ एशिया इज। द मोस्ट सीरियस डिजीज, तो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो है डी पॉट, एडवर्टसीलिया टाडा। एडवर्टसीलिया टाडा जो है ये इसका आंसर है। द कॉमन फंगस दैट अफेक्ट फिश एग्स, कौन सा है कॉमन फंगस जो अफेक्ट करता है फिश एग्स को, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेप्रोलिजनिया। ठीक है ना, सेप्रोलिजनिया जो है ये कॉमन फंगस है जो कि अफेक्ट करता है फिश के एग को। द काजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्रूड स्टॉक, IPV, WSSV, रेनी बैक्टीरियम सेल्मोनेरियम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट वाइट टेल डिजीज इज काज्ड बाय, आपने नाम सुना होगा वाइट टेल डिजीज जो कि फिशेस के अंदर पाई जाती है। तो हमें ये बताना है जो वाइट टेल डिजीज है इसको हम वाइट टेल जो डिजीज़ है इसको हम वाइट मसल डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि काज्ड बाय इन्फेक्शन विद मैक्रोब्रेकियम रोसेनबर्जी नोडा वायरस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइक्रो जो है ना MRNV8XSY, एक्स्ट्रा स्मॉल वायरस, और MRNY जो है माइक्रोब्रेकियम रोसेनबर्जी नोडा वायरस जो है ये इसका सही आंसर है, ये काज करता है वाइट डिजीज। फिर है जी ट्रोफोंट इज डैश डैश स्टेज ऑफ पैरासाइट। ट्रोफोंट जो है, ट्रोफोंट कौन सा स्टेज है पैरासाइट का, देखिए जो ट्रोफोंट है ये एडल्ट स्टेज होता है। क्या होता है ये, एडल्ट स्टेज होता है ये पैरासाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसिस्ट फॉर्म ऑफ आई मल्टीफिलियस इज कॉल्ड। द इंसिस्ट फॉर्म ऑफ आई मल्टीफिलियस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ट्रोफोंट। ठीक है ना, ट्रोफोंट इसको हम कहते हैं। ये
इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है इनक्लोज आर बिकम इनक्लोज्ड इन ए सिस्ट, उसको हम कहते हैं इंसिस्ट। तो ट्रोफोंट है जो, ट्रोफोंट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्यूमरस अपेरेंस इज फाउंड इन, ट्यूमरस, ट्यूमरस का मतलब क्या होता है? देखो ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर हम बता, हम जो है ना नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इसने डिफाइन किया है ट्यूमर को एज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जो कि दैट रिजल्ट्स व्हेन सेल्स डिवाइड मोर। ओके, अब जो ट्यूमरस है ये क्या है? ये एक मास है या लंप ऑफ टिश्यू है दैट मे रिजेंबल स्वेलिंग। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा लिम्फोसिस्टिक डिजीज, ठीक है ना, लिम्फोसिस्टिस जो है ये डिजीज है, ट्यूमरस जो है अपेरेंस इज फाउंड इन लिम्फोसिस्टिक डिजीज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है? वायरल रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, वायरल रेप्लिकेशन यूज इट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस इन द टारगेट होस्ट सेल्स। अब जो वायरसेस है मस्ट फर्स्ट पेनिट्रेट एंड एंटर द सेल बिफोर वायरल रेप्लिकेशन कैन ओकर। तो जो वायरल रेप्लिकेशन आएगा ये आएगा इन साइड द सेल। फिर है जी ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन इज काज्ड बाई, ग्रैनुलोमैटस जो इन्फ्लेमेशन है इज काज्ड बाई, देखो जो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑफ टिश्यू रिएक्शन विच अपीयर्स फॉलोइंग सेल इंजरी, ठीक है ना, काज्ड बाई ए वैरायटी ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस ऑटोइम्यून्स टॉक्सिक एलर्जिक ड्रग्स एंड न्यूप्लास्टिक। तो इसमें क्या आता है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, जो माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज है इससे होता है ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसवीसी मेनली इन्फेक्ट। अब जो एसवीसी है, एसवीसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एस का मतलब होता है स्प्रिंग, वी का मतलब होता है वायरेमिया ऑफ कॉप, स्प्रिंग वायरेमिया ऑफ कॉप, एसवीसी मेनली इफेक्ट। देखो एसवीसी इन इंपॉर्टेंट डिजीज अफेक्टिंग सेपनेडिया मेनली कॉमन कॉप सेपन स्कॉर्पियो, द डिजीज इज वाइड सेपन इन यूरोपियन कॉप कल्चर। तो इसमें क्या आएगा एसवीसी का, यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए, तो यंग फिशेज जो है, यंग फिशेज को ज्यादा जो ये अफेक्ट करती है। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस एंड इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशंस। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फेक्शंस इन इम्यूनिटी, मेन फंक्शन ऑफ रेट्रोवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स आर रिकॉग्निशंस एंड बाइंडिंग टू द सेलुलर वायरस रिसेप्टर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो है इंटरफेरॉन। क्या है? इंटरफेरॉन जो है इसका सही आंसर है। आयरन बेंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा साइड्रोफोर्स, ठीक है ना, साइड्रोफोर्स जो है आयरन बेंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज साइड्रोफोर्स। फिर है जी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम इज, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम इज ए, अब जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम जो है इज ए, ये क्या है, ये है ऑब्लिगेट एनारोब, ये क्या है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द पैरासाइट हेलमिंथ एकेंथोसिफेलिन इज, देखो जो एकेंथोसिफेला है ये फाइलम जो है, ये पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं, थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स होते हैं या फिर स्पाइनी हेडेड वॉर्म्स होते हैं, इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो रिक्वायर होता है क्रस्टेशियंस इंसेक्ट्स एंड एनिलिडा। और हम क्रस्टेशियंस की बात करें तो आप जानते हैं जो क्रस्टेशियंस हैं वो किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आर्थ्रोपोड्स। ठीक, द स्टेज ऑफ डिप्लोस्टोमम दैट कॉज ब्लैक स्पॉट डिजीज, ब्लैक स्पॉट डिजीज आप जानते हैं ये स्टेज ऑफ डिप्लोस्टोमम, द स्टेज ऑफ डिप्लोस्टोमम दैट कॉजेज ब्लैक स्पॉट डिजीज इज, डिप्लोस्टोमम जो है वन ऑफ ए नंबर ऑफ स्टीजॉइड्स मेटा
करकेसिया लोकेटेड इन द लेंस ऑफ फ्रेश वाटर फिश वर्ल्ड वाइड। फाइलम जो है ये प्लैटीहेलमिंथस के अंदर आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेटा क्रिकेरिया। ओके, सीफेक्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब सीफेक्स की बात करें, सीफेक्स किसकी ट्रीटमेंट में जो है ये यूज होता है। जो सीफेक्स है ये किसकी ट्रीटमेंट, EUS, ओके, EUS की ट्रीटमेंट में जो है ये सीफेक्स यूज होता है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज ए हाइपरट्रॉपिक डिजीज। ऑप्शन यहां पे नीचे है, कौन सा जो है ये हाइपरट्रॉपिक डिजीज है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेम्फोसिस्टिस, ठीक है ना, लेम्फोसिस्टिस जो है इसका आंसर है, ये एक हाइपरट्रॉपिक डिजीज है। लेम्फोसिस्टिस जो है ये एक हाइपरट्रॉपिक डिजीज है। ओके, हाइपरट्रॉपिक डिजीज क्या होता है, देखो जो इसमें हार्ट मसल्स बिकम एबनॉर्मली थिक, हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड। नेक्स्ट है जीनोम सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज सीन इन। जीनोम, जीनोम क्या होता है, इंटायर सेट ऑफ ए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर्ड इन ए सेल। ओके, तो इसको हम कहते हैं जीनोम। अब यहां पे बताना है कि जीनोम सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज सीन इन, तो कहां पे सीन होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वायरस। वायरस इसका सही आंसर है, वायरस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग सेल्स काज। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग सेल्स काजेज, तो वो क्या काज करेंगे, वो काज करेंगे हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, हाइपो प्लास्टिक एनीमिया काज करेंगे। बैंक्रप्टी डिजीज इज काज्ड बाय, इसका आंसर आएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है ये बैंक्रप्टी डिजीज को काज करती है। सैडल लाइक लिजेंस आर सीन इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, क्या है, सैडल लाइक लिजेंस आर सीन इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ऑप्शन हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर क्या है, कॉलोमनेरिया, कॉलोमनेरिया जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है केराटोमलेशिया इज काज्ड बाय। केराटोमलेशिया इज एन आई कंडीशन यूजुअली अफेक्टिंग बोथ आईज बायलैटरल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सीवर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, तो विटामिन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मेन इनविलोप प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन इन WSSV। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि WSSV क्या होता है, कई बार हमने पढ़ा है W का मतलब होता है वाइट, S का मतलब होता है स्पॉट, S का मतलब होता है सिंड्रोम, V का मतलब होता है वायरस। वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्रूड स्टॉक। ओके, इलाज डीएनए वायरस जो है असाइनड एज द ओनली मेंबर ऑफ द जीनियस विस्पो वायरस फैमिली जो आती है नेमरिडिया जो आती है, वायरस इन इफेक्ट ऑनली क्रस्टेशियंस। तो यहाँ पे हमें बताना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, VP28, VP28 जो है इसका आंसर आएगा। काजेटिव एजेंट ऑफ कोल्ड वाटर वाइब्रोसिस आर हिटरा डिजीज। जब हिटरा डिजीज़ की बात आए, जब कोल्ड वाटर वाइब्रोसिस की बात आ जाए, तो आपको याद रखना है विब्रियो सेल्मोनिडिसीडिया जो है इसका ये आंसर आएगा। ठीक है ना, जो विब्रियो सेल्मोनिडिसीडिया जो है ये इसका आंसर आएगा। हिटरा डिजीज़ जो है ये इसी की वजह से होती है।
रेनी बैक्टीरियम सेल्मोनेरियम काजेज द डिजीज़। क्या है? रेनी बैक्टीरियम सेल्मोनेरियम काजेज द डिजीज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बैक्टीरियल किडनी डिजीज, बैक्टीरियल किडनी डिजीज, BKD। कल्चरल मीडियम कॉमनली यूज्ड फॉर विब्रियो, कल्चरल मीडियम कॉमनली यूज्ड फॉर विब्रियो इज TCBS। क्या है? TCBS, कल्चरल मीडियम यूज्ड फॉर विब्रियो। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिश क्वारंटाइन इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिश क्वारंटाइन इन इंडिया। क्वारंटाइन का नाम तो आपने बहुत आप सुना हुआ होगा, क्योंकि जब भी किसी को कहीं वायरस COVID-19 से जो भी अफेक्ट हुए पर्सन, उनको क्वारंटाइन किया गया, कुछ टाइम के लिए उसको अलग किया गया, फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं रहने दिया, ठीक है, तो इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। अगर हम फिश क्वारंटाइन की बात करें, इसमें क्या होता है, जो फिशेस जिनको इन्फेक्शन होता है उनको हम निकालते हैं, उन फिशेस से जो फिशेस ठीक हैं, ठीक है ना, तो कुछ टाइम के लिए उनका वाटर चेंज करके उनको अलग से रखते हैं, जब वो ठीक हो जाती हैं तब जाके हम उनको वापस जो है फिशेस के अंदर छोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा AKFC ऑफ राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, ठीक है ना। रिसेंटली इमर्जिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ एल्बेनीमिया, रिसेंटली इमर्जिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ एल्बेनीमिया, तो इसका जो आंसर है वो आएगा अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम RAHPNS, ठीक है, या कहते हैं अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम या AHPNS। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम EMS, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? अब कॉजेटिव जो एजेंट है वो है वी पैराहीमोलाइटिकस। क्या है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम वी पैराहीमोलाइटिकस, वी पैराहीमोलाइटिकस जो है इसका आंसर है कॉजेटिव एजेंट ऑफ EUS। अब जो EUS है ये क्या है? EUS क्या होता है? E का मतलब होता है epizootic, U का मतलब होता है ulcerative, S का मतलब होता है syndrome। इसको हम क्या कहते हैं? रेड स्पॉट डिजीज। हम क्या कहते हैं इसको? रेड स्पॉट डिजीज भी कहते हैं। ये अल्सरेटिव डिजीज होती है फिश कॉज्ड बाय फंगस एफनोमाइसिस इन्वेंडिनस। तो एफनोमाइसिस इन्वेंडिनस जो है इसका, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया ऑफ कॉप। अब पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? द पर्निशियस एनीमिया कॉज्ड बाय द फिश टेपवर्म डिफ्लोबोथ्रियम लैटम, जिसको हम डी लैटम भी कहते हैं, जो कि कंटेन करता है विटामिन B12। व्हेन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइट कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12 फ्रॉम लेफ्ट। देखो ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया। क्या है? पर्निशियस एनीमिया। तो इसका आंसर आएगा एपोट, ठीक है ना, मैक्सोबोलस सैपरनी, मैक्सोबोलस सैपरनी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए वायरस रेप्लिकेट इन, डीएनए वायरस रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस, डीएनए वायरस रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस। RNA वायरस रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म, RNA वायरस रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। सुकुलोसिस एंड लोडियोसिस मेनली कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। WSSV व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस ओकर्स व्हेन वाटर टेम्परेचर रिमेन बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। पोर्शन और साइट ऑफ एन एंटीजन दैट स्पेसिफिकली रिएक्ट विद इन एंटीबॉडी,
इपिटोप। EUS रेजिस्टेंस स्पीशीज ऑफ फिश। एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम रेजिस्टेंस स्पीशीज ऑफ फिश इज कॉमन कॉप। सेफ लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फिश, यह आएगा 6 PPM। गैस बबल डिजीज। गैस बबल डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू सुपर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो गैस बबल डिजीज जो है ये कॉज्ड ड्यू टू द सुपर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। न्यूट्रिशनल गिल डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पेंथोनिक एसिड। क्या आएगा? पेंथोनिक एसिड। एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज। एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गन नोन एज हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी जो है इसका आंसर आएगा। एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड साइज ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज हाइपर ट्रॉपी। वायरल डिजीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडियन सी बॉस। वायरल नर्वस नेक्रोसिस वी एन एन। सिकन फ्लूक क्या होता है? सिकन फ्लूक ये जीनस गायरोडैक्टेलिस। सिकन फ्लूक जो है ये जीनस गायरोडैक्टेलस से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज डायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो इसका आंसर आएगा मोनोजीनियन। क्या आएगा? मोनोजीनियन। मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ अर्गोलस अटैचमेंट। अर्गोलस सबसे ज़्यादा जो है इसकी जगह कौन सी है जहाँ पे ये अटैच करता है? तो इसका आंसर आएगा कॉडलफिन। कॉडलफिन के साथ ज़्यादातर ये अटैच करता है। एंकर वॉर्म किसे कहा जाता है? एंकर वॉर्म जो है ये लर्निया को कहा जाता है। एंकर वॉर्म किसको? लर्निया को कहते हैं एंकर वॉर्म। पैरासाइट आल्सो नोन एज आई फ्लूक। कौन सा जो पैरासाइट है जिसको हम आई फ्लू कहते हैं? इसका आंसर आएगा डिप्लोस्टोमम स्पैथिसम जो है इसको हम आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ओके, ब्लड वॉल्यूम ऑफ टिलोस्ट फिश क्या है? 5%। एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, ये आएगा पर्निशियस एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर डिजॉल्वड ऑक्सीजन। 1 unit pH decrease is equal to -4 decrease is in unionized ammonium content of water. 1 unit of pH, तो यहाँ पे आएगा 2 10-fold decrease in unionized ammonium content of water. Pure water saturated with carbon dioxide has a pH 5.6. Most common clinical sign associated with lead poisoning in salmonids is. Most common clinical sign associated with lead poisoning in salmonid is blackening of caudal peduncle. Blackening of caudal peduncle जो है इसका आंसर आएगा। फिर आज प्रोबायोटिक्स आर मेनली एक्टिव इन, ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आए प्रीबायोटिक, ये आप गूगल कर लेना या आप कमेंट में मुझे बताना ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रीबायोटिक्स आर मेनली एक्टिव इन, प्रोबायोटिक इंटेस्टाइन के अंदर आ गया और प्रीबायोटिक जो होता है ये वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की हम बात करें ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग ऑफ बायोटॉक्सिन्स फ्रॉम ए लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज नोन एज।
उसको हम कहते हैं टॉक्सेमिया। क्या बोलते हैं हम? टॉक्सेमिया कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग बाई टॉक्सिन्स फ्रॉम ए लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको हम कहते हैं टॉक्सेमिया। ब्राउन ब्लड डिजीज और न्यू टैंक सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, जो ब्राउन ब्लड डिजीज या फिर न्यू टैंक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं इज कॉज्ड ड्यू टू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नाइट्राइट पॉइजनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइट पॉइजनिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड इन आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजे, तो इसका आंसर आएगा जी पी वाई अगर। मेजर सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इस है LPS। क्या है? LPS। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द कलर ऑफ द स्टेन। ये आएगा क्रिस्टल वायलेट। क्या आएगा? क्रिस्टल वायलेट। एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड, ये आएगा सीपॉट, जील नीलशन मेथड। काजेटियो एजेंट ऑफ अल्सरेटियो डर्मल नेक्रोसिस, UDN। काजेटियो एजेंट ऑफ अल्सरेटियो डर्मल नेक्रोसिस, UDN। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेप्रोलैग्निया जो है ये कॉजेटिव एजेंट है UDN का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सनबर्न डिजीज इन फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सनबर्न डिजीज इन फिशेज, तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट बी जो है इसका आंसर आएगा। कंडीशन एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टारवेशन, कंडीशन एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टारवेशन, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पिनहेड जो है इसका आंसर है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज विच कैन नॉट बी सिंथिसाइज्ड बाई सेल। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज विच कैन नॉट बी सिंथिसाइज्ड बाई सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है ना, ये एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट। जूनोटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया स्विमिंग पूल ग्रैनुलोमा जूनोटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियन, ठीक है ना। देखिए ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं खुद से करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको सिलेबस के अंदर दिया गया है, सिलेबस आपका बहुत लेंथी है, ठीक है ना। आपको डिजीज इन फिशेज पढ़ना है, उसमें सिर्फ आपको एक दो डिजीज नहीं पढ़नी है, बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि जो टॉप डिजीज फिशेज के अंदर जो 100-200 डिजीज़ होती है वो हम आपको बताएं, तो कोशिश पूरी जारी है, ठीक है ना। आप देखते रहिए लेक्चर हमारे, आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर से फ़ायदा नहीं मिलेगा या बेफिजूल ऐसे ही लेक्चर जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लेक्चर से बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप प्लीज़ देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टेडियस बैक्टीरिया, इनमें से हमें ये बताना है जो फेस्टेडियस बैक्टीरिया कौन सा है? आर सेल्मोनेरम जो है ये फेस्टेडियस बैक्टीरिया है। सिलेक्टिव मीडिया फॉर
आयरोमिनास हाइड्रोफिलिया, ये आएगा रिमलर शॉर्ट्स एगर, रिमलर शॉर्ट्स एगर। काजेटी एजेंट ऑफ द डिजीज स्कैटिनब्रियो रेड स्पॉट डिजीज, काजेटी एजेंट ऑफ द डिजीज रेड स्पॉट डिजीज। रेड स्पॉट डिजीज की अगर हम बात करें तो पी एंग्लोसेप्टिका जो है, पी एंगुली सिप्टिका जो है इसका आंसर आएगा। ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक लार्वल स्टेज ऑफ मोलस्का इज नोन एज, ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक लार्वल स्टेज ऑफ मोलस्का इज नोन एज ग्लोचिडिया, क्या कहते हैं हम इसको, ग्लोचिडिया कहते हैं। काजेटिव एजेंट ऑफ वाइट स्पॉट डिजीज, वाइट स्पॉट डिजीज काजेटिव एजेंट कौन सा है, आई मल्टीफिलियस, एक्थोपिथ्रियस मल्टीफिलियस जो है ये काजेटिव एजेंट है वाइट स्पॉट डिजीज का। उसके बाद क्या है, काजेटिव एजेंट ऑफ विर्लिंग डिजीज, काजेटिव एजेंट ऑफ विर्लिंग डिजीज, जो विर्लिंग डिजीज है इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है, माइक्सोबोलस सेरिब्रेलस, ठीक है ना, माइक्सोबोलस सेरिब्रेलस जो है ये काजेटिव एजेंट है विर्लिंग डिजीज का, ओके। उसके बाद है फिश लाउस, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो फिश लाउस है वो कौन सा है, आर्गुलस जो है, आर्गुलस को हम कहते हैं फिश लाउस। काजेटिव एजेंट ऑफ आई, आई डिजीज ऑफ कतला, काजेटिव एजेंट ऑफ, काजेटिव एजेंट ऑफ आई डिजीज ऑफ कतला, तो इसका है ए सेल्मोनिडिसीडिया जो है इसका काजेटिव एजेंट है किसका, आई डिजीज ऑफ कतला का। फिर है हे स्टैक, हे स्टैक जो है फॉर्मेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, हे स्टैक जो है करेक्टरिस्टिक किसका है, हे स्टैक फॉर्मेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहां ऑप्शन में है कोल्ड वाटर डिजीज, सेपरोलेजिनेस, कोलोमिनेसिस डिजीज और नन ऑफ द अबो। अब जो हे है, कोलोमिनेरस डिजीज, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, कोलोमिनेरस डिजीज। नेक्स्ट क्या है, हिट्रा डिजीज, हिट्रा डिजीज इज आल्सो नोन एज, हिट्रा डिजीज को हम कोल्ड वाटर वाइब्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, कोल्ड वाटर वाइब्रोसिस को हम हिट्रा डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर जी वेन गेसन स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ, क्या है, वेन गेसन स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ कोलेजन टिश्यू, ओके। फिर है फिक्सेटिव यूज्ड फॉर टी ई एम इज, फिक्सेटिव यूज्ड फॉर टिम इज, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन फ्रॉम फिश इज, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन फ्रॉम फिश इज, ये आएगा आर टी जी टू, क्या आएगा, आर टी जी टी टू, ठीक है ना, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन फ्रॉम फिश इज, क्या आएगा, आर टी जी टू। नेक्स्ट क्या है, गोमोरी, गोमोरीज मैथनामाइंस सिल्वर स्टेन यूज्ड फायर, ये आएगा फंजे, कॉमनली यूज्ड सेल कल्चर मीडियम, ये आएगा एल फिफ्टीन, ई एम ई एम, ई बी एम, तो ऑल, ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर है। हु डेवलप्ड द लैंप टेक्निक, हु डेवलप्ड द लैंप टेक्निक, तो इसका आंसर क्या आएगा, लैंप टेक्निक को किसने किया है, डेवलप किया है, नोटोमी, क्या आएगा, नोटोमी जो है इसका सही आंसर आएगा। बी बी एस टी पॉलीमरेस इज यूज्ड इन, ये आएगा लैंप, ओके। फिर है जी एफ आर ई टी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, ये आएगा टैक मैन क्यू पी सी आर, ठीक है, टैक मैन क्यू पी सी आर। कॉमनली यूज्ड ब्लड स्टेन, कॉमनली यूज्ड ब्लड स्टेन क्या है, एलिसमन भी है, जिम्सा भी है, राइट भी है, तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर है। नंबर ऑफ आर बी सी प्रेजेंट इन फिश इज डैश डैश पर एम एम क्यूब, तो इसका आएगा वन टू थ्री इज थ्री इंटू टेन रेज पावर सिक्स।
मायोलोपियोडॉक्सिडेज प्रेजेंट इन, ये आएगा नेट्रोफिल्स के अंदर, किसके नेट्रोफिल्स के अंदर आएगा मायोलोपियोडॉक्सिडेज प्रेजेंट। नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल इज एस्टिमेटेड बाय QPCR, नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल इज एस्टिमेटेड बाय QPCR। प्राइमर साइज इन PCR, प्राइमर साइज PCR 18 to 25 BP। एलिसा इन्वेंटेड बाय एंगवेल एंड पर्टमैन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोगुलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोगुलेंट। देखो जो EDT है ये भी एंटी कोगुलेंट है, हेपरिन भी है, सोडियम फ्लोराइड भी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द इबो। डैश डैश इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स इन सिंगल रिएक्शंस, तो इसका आंसर आएगा माइक्रो एरे जो है इसका आंसर आएगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिश वैक्सीन वाज रिपोर्टेड बाय, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिश वैक्सीन वाज रिपोर्टेड बाय DUFF जो है इसका आंसर है। फर्स्ट कमर्शियली लाइसेंस्ड फिश वैक्सीन वाज फॉर तो ERM। टर्म प्रोबायोटिक इज डिरिव्ड फ्रॉम डैश डैश वर्ड्स मींस फॉर लाइफ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रीक। ओके, इन इंडिया एक्वेटिक एनिमल्स आर कैप्ट इन क्वारंटाइन फॉर डैश डैश डेज, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कितने डेज के लिए फिश को इंडिया के अंदर जो है वो क्वारंटीन किया जाता है, तो ऑप्शन क्या है, इन इंडिया एक्वेटिक एनिमल्स आर कैप्ट इन क्वारंटीन फॉर डैश डैश डेज, तो कितने डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 5 days। क्या आएगा, 5 days जो है इसका सही आंसर है। रिकमेंडेड मेजर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनआयोनाइज्ड अमोनिया, रिकमेंडेड मेजर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनआयोनाइज्ड अमोनिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बायोफिल्टर, ज़ियोलाइट एप्लीकेशन, वाटर एक्सचेंज, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। नेम सैडल बैग फॉर कोलमनेरिस डिजीज वाज डिलीवर्ड फ्रॉम, जो सैडल बैग फॉर कोलमनेरिस डिजीज जो है ये डिलीवर कहाँ से किया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोर्ड, BIRD बोर्ड। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ जो ये लेक्चर होगा, लेक्चर जो आपने देखा ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि इसमें टॉप जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज डिस्कस किए। तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।